हेलो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं हूँ अभी आरंबोल बीच पे और ये बहुत सीक्रेट वीडियो बन रही है, ठीक है। ये बच्चे ना देखे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गोवा में कुछ और ढूंढने आते हैं ना, उनके लिए। तो देखो मैं अकेला अकेले चल रहा हूँ। वैसे हॉस्टल का एक और भाई है साथ में पर वो मुझसे दूर चल रहा है। तो रात को 12 बजे के बाद आरंबोल बीच पे क्या क्या होता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फैमिली के साथ ये वीडियो मत देखना और आप लोगों से रियली सॉरी कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, पर बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। ये देखो सामने दो अफ्रीकन लड़की खड़ी है, रात के 12 बजे ये यहाँ क्या कर रही है आप सोच सकते हो। 12 बजे आरंबोल बीच पे आइसक्रीम जो ये देख रहे हो, पूरा बीच खाली पड़ा, अंधेरा है। यहाँ पे वैसे लोग ड्रिंक करते हुए दिख जाएंगे और कुछ गंदी हरकतें जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वो देखो एक और अफ्रीकन नाइजीरियन, पता नहीं ये लोग रात के अंधेरे में यहाँ क्या करते हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की कि ये लोग रात के अंधेरे में करते क्या हैं। रात के 12 बजे भी आपको आरंबोल पे ऐसे कैफे खुले हुए दिख जाएंगे और देखो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर कोई ना कोई इस अंधेरे में भी आपके साथ अप्रोच करने आ जाएगा कि भाई आपको गांजा बांजा चाहिए क्या, कोई नशे वशे की चीज़ चाहिए क्या। तो भाई मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि आप डील मत करना, कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी इंडिया में अलाउ नहीं है। और दूसरी बात, हो सकता है आपको गलत चीज़ दे दी जाए और आपके साथ स्कैम हो जाए, ठीक है। रात को 12 बजे भी बहुत सारे लोग घूमते हुए दिख जाएंगे आपको यहाँ। हर तरफ नाइजीरियन ही नाइजीरियन, क्या कर रही है इतनी रात को आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ये वीडियो बहुत रिस्क पे बनाया है, मेरे को कई बार वीडियो बनाते हुए लोगों ने देख लिया और कई बार मैंने अपना फ़ोन बचाया। तो ये सारी वीडियो बहुत छुप छुप के बनाई है मैंने, बहुत छुप छुप के रिकॉर्ड किए सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों में से कोई ऐसे बहला फुसला कर इनके साथ ना चले जाए और आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। सिर्फ आप लोगों के लिए किया है मैंने। तो आप भी एक सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के जो खुलासे हैं वो आप लोगों तक सामने ला पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। तो यहाँ के कैफ़े में आपको रात को हुक्का वगैरह सब मिल जाएगा, ड्रिंक भी मिल जाएगी, हाँ थोड़ी बहुत कॉस्टली है। बाकी आपको रात को भी ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। देखो ये देखो सब नाइजीरियन 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 दिखेगी आपको यहाँ पर, और ये सब गंदा काम करने आती है यहाँ भाई, सब गंदा काम करने आती है। और दिखाऊं, ये देखो
ये सब हो रहा है आरम बोल के बीच पे रात को 12 बजे के बाद। देखो ये सामने भी डील चल रही है, ये लोग सबसे पहले पेमेंट करवाते हैं और उसके बाद सब कार्यक्रम होता है। नाइजीरियन काले भी बहुत होते हैं, तो वैसे ही अंधेरे में नहीं दिखते, क्या पता कौन से कॉर्नर में खड़े हैं। और हर जगह आपको ये देखे जाएंगे हर 15-20 फीट पे। ये देखो ये सामने एक खड़ी है नाइजीरियन, एक क्या दो है भाई, वो भाई दो नहीं चार है, ये तो बताओ दिख ही नहीं रही है। ये देखो दो और, अंधेरे में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पर मेरे आगे दो चल रही है। ये सब वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही हैं और कोई पर्पस नहीं। मैं तो रात को आइसक्रीम खाने आया हूँ, आप लोग और कुछ मत समझना है ना, कौन सा नॉटी बार खा रहा हूँ मैं रात को 12 बजे। आह इसमें तो बहुत बड़ी दिख रही है यार, सबसे छोटा वही दिख रहा है। 50 रुपए की आइसक्रीम यार, बहुत बड़ी है। ये देखो सामने खड़ी है और किसी पब्लिक से बातचीत चल रही है इनकी, कुछ ऐसा ही चलता है यहाँ का कार्यक्रम। तो अभी तक आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आरंबोल के बीच पे ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जा रही है। 2 से 3 हज़ार रुपये ये एक बार के मिलने के लेते हैं और ये आपको अपने साथ रूम पे ले जाते हैं या हिडन प्लेसेस पे ले जाते हैं जहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है, या तो आपके फ़ोन छीन लिए जा सकते हैं, आपके पैसे चुरा लिए जा सकते हैं, या आपके साथ कुछ भी स्कैम हो सकता है या उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल तो यही बोलूँगा कि इन सब चक्करों में ना पड़े। गोवा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है जिसकी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। 1 बजे भी अगर आरंबोल पे कोई कैफ़े में म्यूज़िक चल रहा है तो वो है हैंग आउट कैफ़े। चलो अंदर चल के देखते क्या सीन है। ओह बहुत नाच लिए भाई, 1 घंटे से नाच रहे थे। स्पीच पे आ गए हम और अब करीब रात की 1:30 बज रही है और पूरा अंधेरा हो चुका है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि बीच पे घूमने वाली हर लड़की उसी काम के लिए आई है रात को, हो सकता है वो टूरिस्ट हो या घूमने फिरने आई हो, तो आप हर लड़की को उस तरीके से ट्रीट मत करना क्योंकि यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस भी घूमती रहती है और गोवा की पब्लिक भी बहुत मारती है। फिर जा रहे हैं हम हमारे हॉस्टल। वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल गई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना। और क्या बोलूं, आप लोगों के लिए इतना रिस्की टास्क लिया, बाकी और कोई पर्पस नहीं था। गाड़ी की पार्किंग तक जा रहे हैं, बहुत अंधेरा है। चलते चलो चलते चलो।